waste management technique that involves the use of microorganism to remove or neutralize pollutant from contaminant site is called. तो जितने भी microorganisms को use करके neutralize करना pollutant को contaminated sites को, उस चीज़ को बोलते हैं अपन बायो रेमिडिएशन. ओके, बायो रेमिडिएशन. कुछ साल पहले बॉम्बे के अंदर जब ऑयल समुद्र के ऊपर आ गया था तो उसको हटाने के लिए भी हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया था. इसका नाम था प्यूसिडो अमीबा, और उसी को अपन चीज़ बोलते हैं बायो रेमिडिएशन. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको पॉल्यूशन दूर करने के लिए यूज़ करते हैं. इन आईटी नेटवर्किंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज इन द फिजिकल लेयर. तो आईटी नेटवर्किंग के अंदर कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं अपन फिजिकल लेयर के तौर पर, वो है रिपीटर. तो आपका आंसर है रिपीटर. द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इन नेचर इज, नेचर की जो वाटर की जो प्योरेस्ट फॉर्म है नेचर के अंदर वो है रेन वाटर. बहुत ही आसान सवाल. द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज द लीस्ट ग्लोबल वार्मिंग इज, लीस्ट ग्लोबल वार्मिंग करने वाला कौन सी एनर्जी सोर्स है, वो है जियो थर्मल एनर्जी. जहाँ पे हिमाचल के अंदर मणिकरण है वहाँ पे हॉट स्प्रिंग से यूज करी जाती है जियो थर्मल एनर्जी. द कंस्टलेशन सप्तऋषि इज नोन टू वेस्टर्नर्स एज द, जो कंस्टलेशन जो स्टार्स जो ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ स्टार्स है सप्तऋषि, उसको वेस्टर्नर्स कैसे जानते हैं, बिग डिपर के तौर पर जानते हैं. ब्रिज इज अ टेक्निक यूज इन द रेसलिंग, तो ब्रिज यूज करा जाता है रेसलिंग के अंदर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक इज कॉल्ड द बाइबल ऑफ सोशलिज्म, तो बाइबल ऑफ सोशलिज्म के नाम पे कौन सी बुक जानी जाती है, जानी जाती है दास कैपिटल. विच कंट्री रिसेंटली डिनोटेड इट्स फर्स्ट हाइड्रोजन बॉम्ब डिटोनेटेड, विच कंट्री रिसेंटली डिटोनेटेड इट्स फर्स्ट हाइड्रोजन बॉम्ब. तो हाइड्रोजन बॉम्ब पहला डिटोनेट करने वाला कंट्री कौन सा है, नॉर्थ कोरिया है. द सर्व जयंती शहरी रोजगार योजना मेनली एम्स एट क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर, तो जो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है इसका एम क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज किनके लिए बनाने की कोशिश की जा रही है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए और वेज एम्प्लॉयमेंट अर्बन एरियाज के लिए. अर्बन एरिया के लिए है ये, किसके लिए, वेज एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दोनों के लिए इसको बनाया जा रहा है. ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर भारत में कौन है, MS स्वामीनाथन है, और दुनिया में नॉर्मन बोरलॉग है. द कंपोनेंट यूज फॉर टर्निंग ट्यूनिंग ए रेडियो इज बेसिकली ए वेरिएबल, जब अपन रेडियो को ट्यून करते हैं वो कौन सा कंपोनेंट है, वो है कंडेंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डोनर एटम, तो एल्यूमिनियम के पास कोई डोनर एटम नहीं है. एल्यूमिनियम का जो एटमिक नंबर है वो 13 है, जिसके अंदर 13 इनके पास प्रोटोन है, 14 न्यूट्रॉन्स है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टी वॉज फाउंडेड बाय द सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी फाउंड करी थी, फॉरवर्ड ब्लॉक. 0 degree Kelvin इज इक्वलेंट टू, अगर 0 degree Kelvin होता है तो -273 degree centigrade होता है, आपको ध्यान रखना है. द ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर, द ऑक्सीजन जो लिबरेट होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर वो H2O से ही होता है. हु इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल एम्पीटी टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, पहली एम्पीटी कौन थी जो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर गई इंडिया की तरफ से, वो थी अरुणिमा सिन्हा. द टर्म हिग्स बोसन इज एसोसिएटेड विद द, हिग्स बोसन जो पार्टिकल है इसको अपन कहते हैं गॉड्स पार्टिकल. फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया दैट वॉज एस्टैब्लिश 1936 वॉज नेम्ड एज, भारत का पहला नेशनल पार्क जो कि एस्टैब्लिश किया गया था 1936 के अंदर वो कौन सा था, हेले नेशनल पार्क, जिसको बाद में नाम बदल के किया गया जिम कॉर्बेट. ओके, इसका पहले नाम था हेले नेशनल पार्क. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एडवोकेटेड बाय द महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने कभी भी एडवोकेट नहीं किया हैवी इंडस्ट्रीज को. द टर्म ऑफ द गवर्नर इज, गवर्नर का कार्यकाल कितने साल का होता है, वो 5 साल का होता है. वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी, तो गदर पार्टी के साथ एसोसिएट होने वाले नहीं थे बाबा गुरदीत सिंह. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. द हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स हार्ट बीट इज, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि हार्ट बीट को स्टिमुलेट करता है, जो है थायरोक्सिन. थायरोक्सिन ऐसा हार्मोन है जो कि स्टिमुलेट करता है आपका हार्ट बीट को. नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसफॉर्मर इज डिवाइस टू कन्वर्ट, ट्रांसफॉर्मर कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि कन्वर्ट क्या करता है, लो वोल्टेज एसी को कन्वर्ट करता है हाई वोल्टेज एसी के अंदर ट्रांसफॉर्मर. देखते हैं नेक्स्ट, डैश इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटिंग दैट परफॉर्म्स कंप्यूटेशन स्टोरेज एंड इवन एप्लीकेशन एज अ सर्विस अक्रॉस अ नेटवर्क, तो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो जिसके अंदर आपका सभी स्टोरेज हो जाता है और सारे एप्लीकेशन है वो की सर्विस वो सभी ऑनलाइन हो जाती है. ओके, एज अ सर्विस अक्रॉस अ नेटवर्क बोलते हैं इसको. देखते हैं नेक्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ एयर बबल इन द ब्लड स्ट्रीम इज डेंजरस टू लाइफ, बिकॉज एयर बबल का ब्लड स्ट्रीम में होना डेंजरस है क्योंकि द फ्लो ऑफ ब्लड इज ऑब्स्ट्रक्टेड, अपना जो फ्लो है ब्लड का वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा अगर एयर बबल ब्लड स्ट्रीम में आ जाएंगे तो. द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट फॉर देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड, एनिमल और प्लांट की जो रिलेशन है उसकी स्टडी को अपन बोलते हैं इकोलॉजी. देखते हैं नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ द बॉक्सिंग टीम ऑफ इंडिया एट द रियो ओलंपिक्स, तो रियो ओलंपिक के अंदर अवतार सिंह भारतीय बॉक्सिंग टीम के अंदर नहीं थे. एज पर द 16 एंड 17 बजट द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ मनी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज
2016-17 के बजट के अकॉर्डिंग जो लार्जेस्ट सोर्स थी गवर्नमेंट इंडिया के पास में मनी का, वो क्या था? बोरिंग ऑन अदर लाइबिलिटीज़, यानी कि IMF से और दूसरी जगह से जो बोरिंग करी थी, वर्ल्ड बैंक से और अदर लाइबिलिटीज़, ये उनका लार्जेस्ट सोर्स था। अकॉर्डिंग टू द माल्थुशियन थ्योरी ऑफ अ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इंक्रीजेज इन द ज्योमेट्रिक रेशियो, फूड सप्लाई इंक्रीज इन द अर्थमेटिक रेशियो। जो माल्थुशियन थ्योरी थी पॉपुलेशन की, उसके अकॉर्डिंग ज्योमेट्रिक रेशियो से तो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है और फूड सप्लाई चेन इंक्रीज होती है अर्थमेटिक रेशियो के अकॉर्डिंग। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मैक्सिमम होगा कहाँ पे? एट द ऑन द पोल्स ऑफ द अर्थ, जो पोल्स होंगे अर्थ के वहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो मैक्सिमम होगा, बिकॉज रेडियस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन जी। रेडियस का मतलब है रेडियस ऑफ द अर्थ और जी का मतलब है ग्रेविटी। ओके, जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उसका ग्रेविटी कम होगी, इसी की वजह से उसका वेट ज़्यादा होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? क्लोरोप्लास्ट का है। द इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज फेल्ट मोस्ट इन द केस ऑफ वीट, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे मेजरली इम्पैक्ट किया गया था किसको? वीट को बनाने के लिए किया गया था। वॉट इज द बैंक रेट, बैंक रेट क्या है? बैंक रेट वो बैंक रेट है जो कि सेंट्रल बैंक देता है बाकी बैंकों को, जिस रेट से पैसा देता है, लोन देता है, उसको अपन बोलते हैं बैंक रेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्स सिस्टम विल हेल्प टू रिड्यूस इकोनॉमिक इक्वलिटीज इन इंडिया, तो कौन सा ऐसा टैक्स है जो कि हेल्प करता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इंडिया के अंदर कम करने के लिए? जो है प्रोग्रेसिव टैक्स। देखिए फ्रेंड, प्रोग्रेसिव टैक्स होता है और एक रिग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव टैक्स के अंदर क्या होता है? जैसे आपकी इनकम होती है उसी के अकॉर्डिंग आपके ऊपर आपसे टैक्स लिया जाता है। रिग्रेसिव टैक्स के अंदर जिसकी कम इनकम है उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है, जिनकी ज़्यादा इनकम है उनसे कम टैक्स लिया जाता है, इसको बोलते हैं रिग्रेसिव। और इनइक्वालिटी को कम करने के लिए प्रोग्रेसिव टैक्स लेना चाहिए, जो कि इंडिया में ही है। जितनी आपकी इनकम है उतना ही आपसे टैक्स लिया जाएगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम हिस ऑफिस बाय, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाने के लिए आपको पार्लियामेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी, वहाँ आपको इम्पीचमेंट करवाना पड़ेगा। अ ब्रॉड लो एम्बैकमेंट बिल्ड अप अमॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर चैनल ड्यूरिंग फ्लड इज कॉल्ड, तो एक लो एम्बैकमेंट बनाया जाता है ताकि फ्लड के टाइम पे जो कि पानी का, रिवर का जो पानी है वो गाँव में आसपास की सिटी में ना आ पाए, उस चीज़ को अपन बोलते हैं लीवी। लीवी जो है बनाई जाती है, ब्रॉड एम्बैकमेंट बनाते हैं अपन ताकि ताकि जो रिवर का पानी है वो फ्लड के टाइम पे बाहर ना आ पाए। एट विच स्टेट इन इट्स साइकिल डज द सिल्क वॉर्म यील्ड द फाइबर ऑफ अ कमर्शियल यूज, तो कौन सी स्टेज के अंदर साइकिल के अंदर सिल्क वॉर्म बनाता है कमर्शियल फाइबर? तो वह पूपा। ओके, पूपा इस स्टेज को बोलते हैं जहाँ पे ये काम होता है। सिल्क वॉर्म यील्ड द फाइबर ऑफ अ कमर्शियल यूज, सिल्क वॉर्म यील्ड करता है फाइबर को। क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल नोट्स डिपेंड्स अपॉन, तो क्वालिटी जो म्यूजिकल नोट्स की है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? वो हारमोनिक्स प्रेजेंट, जैसी हारमोनिक्स होगी उस चीज़ के ऊपर म्यूजिकल नोट की क्वालिटी डिपेंड करेगी। द आइडिया इन द सी वॉज प्राइमरीली ड्यू टू द आइडियाज इन द सी, वो द इसका आइडिया का सी के ऊपर नीचे होने का जो है, सी वेव्स का ऊपर नीचे होने का जो रीज़न है वो क्या है? ग्रेविटेशनल इफेक्ट है किसका? मून का, अर्थ के ऊपर। ओके, अर्थ मून और सन दोनों का होता है होने में तो ग्रेविटेशनल फोर्स पुल की वजह से, लेकिन मून का ज़्यादा होता है क्योंकि मून ज़्यादा कपास में है। द फाइव परमानेंट मेंबर ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल आर, पांच परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, चाइना, रशिया, फ्रांस, UK एंड US। भारत ने भी इसके अंदर अप्लाई कर रखा है और उम्मीद है कुछ सालों में भारत को भी यूएन परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल की चेयर मिल जाएगी। चारों देश भारत के फेवर में है, बस चाइना है जो कि भारत को परमानेंट मेंबर नहीं बनाना चाहता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टली पेड, तो जीव मिल्खा सिंह चेस से रिलेट नहीं करते हैं, जीव मिल्खा सिंह गोल्फ प्लेयर हैं। आर्यभट्ट एंड द कालिदास वर इन द कोर्ट ऑफ विच गुप्ता एम्पायर, तो आर्यभट्ट और कालिदास किसके कोर्ट के अंदर थे? चंद्रगुप्त सेकंड के अंदर थे। चंद्रगुप्त सेकंड के गुप्ता एम्पायर के टाइम पे आर्यभट्ट और कालिदास थे, और गुप्ता एम्पायर को कहा जाता है गोल्डन पीरियड ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। विच प्रोसेस टेक प्लेस ड्यूरिंग द यूथफुल स्टेज ऑफ अ रिवर, तो कौन सा प्रोसेस होता है यूथफुल स्टेज ऑफ द रिवर के टाइम पे? वैली डीपनिंग, वैली डीपनिंग होती है बोलते हैं इसको, वैली डीपनिंग। ड्यूरिंग विच वाइस रॉयल्टी द कैपिटल ऑफ इंडिया वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कैलकटा टू दिल्ली, तो 1911 के अंदर जब कैपिटल शिफ्ट करी गई थी, 1911 के अंदर कैपिटल शिफ्ट करी गई थी दिल्ली से, कैलकटा से दिल्ली, तो उस टाइम पे जो वाइस रॉय थे वो थे लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग थे जो कि उस टाइम पे प्रेजेंट थे और वहाँ के वाइस रॉय थे। विच अमोंग द फॉलोइंग वॉज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्का, कनिष्का के जो फिजिशियन थे उनका नाम क्या था? वो थे चरक। ओके, चरक थे जो कि इनके कनिष्क के फिजिशियन थे। द रीजन विच इज द वाटर डिवाइड बिटवीन द गंगा एंड द इंडस रिवर सिस्टम इज द, कौन सा रीजन है जो कि डिवाइड करता है
गंगा और इंडस के रिवर को, वो है अम्बाला। सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स आर सुपरवाइज्ड बाय, सुपरवाइज करते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट को हाई कोर्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड टॉप एनवायरमेंटल कंजर्वेशन अवार्ड, तो दुनिया का सबसे बड़ा एनवायरमेंटल कंजर्वेशन अवार्ड कौन सा है, वो है गोल्डन पांडा अवार्ड। ओके, गोल्डन पांडा अवार्ड इस साल का जो 2016 का ये जो अवार्ड दिया गया गोल्डन पांडा अवार्ड, वो दिया गया एवरी ट्रेड एक्सपोज को और साथ में क्रिस पैकहैम को। नेक्स्ट, गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड टू ए वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। जैसे कि मैंने आपको बताया कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं 2016 के और उससे पहले के कई, दो देखिए 2016 के और 17 में रिपीट होंगे ही होंगे, लेकिन 2016 के भी कई क्वेश्चन थे जो कि 2016 के पेपर में ही और सेम पेपर में ही रिपीट हुए हैं। ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी आया था और वापस आया है। ओके, तो इसीलिए 2016 के तो 16 में रिपीट हो ही रहे हैं, लेकिन 17 में तो ये काफ़ी सारे पेपर में रिपीट होंगे। बिंग बी स्टिंग कंटेंस, तो जो मधुमक्खी है उसका स्टिंग के अंदर क्या होता है, एक एसिडिक लिक्विड होता है। विच शेड्यूलिंग सर्विस इज यूज टू हैंडल ट्रैफिक विद डिफरेंट प्रायोरिटीज, कौन सी शेड्यूलिंग यूज करी जाती है ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए। QoS ट्रैफिक शेड्यूलिंग यूज करी जाती है। QoS का मतलब है क्वेश्चनिंग एंड शेड्यूलिंग, क्वेश्चनिंग एंड शेड्यूलिंग ट्रैफिक शेड्यूलिंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज नोन एज द, आउटर मोस्ट लेयर जो सन की है उसको अपन बोलते हैं कोरोना, कोरोना बोलते हैं आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन की। हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन इज फाउंड इन विच फॉर्म ऑफ कोल, तो हाइएस्ट परसेंटेज कोल की मिलती है एंथोसाइट के अंदर। ओके, ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है जिसके अंदर कार्बन की परसेंटेज कम होती है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर, दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर है चाइना के अंदर। द जाइलम इन द प्लांट वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर, जाइलम जो प्लांट के अंदर होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द न्यू कैपिटल ऑफ सीमा आंध्रा, तो सीमांध्र का मतलब है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल कौन सी है, अमरावती है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अबॉलिश्ड एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, तो कौन सा ऐसी गवर्नमेंट है जिसने अबॉलिश किया है वे भी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, जो कि कर्नाटका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैथड ऑफ एस्टिमेटिंग इनकम, इनकम एस्टिमेट करने के लिए मैट्रिक्स मैथड नहीं है। If the name of the tribe has to be excluded from the list of scheduled tribe, who has the power for such exclusion? अगर किसी tribe का नाम scheduled tribe से हटाना है तो किसके पास power है, वो सिर्फ parliament के पास ही है। Project Sankalp started for the purpose of, Sankalp project start किया to eliminate AIDS और HIV. Ring of Fire is found commonly in, तो Ring of Fire zone कौन को कहा जाता है, Pacific Ocean को कहा जाता है। Japan में सबसे ज़्यादा flood, earthquake आते हैं वो इसी वजह से आते हैं क्योंकि वो Ring of Fire zone में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम causes ग्रोन गॉल डिजीज इन प्लांट, तो गॉल डिजीज जो प्लांट में होता है वो किसके वजह से होता है, वो एग्रो बैक्टीरियम टर्मफेसिस है जिसके वजह से ये डिजीज होता है। और ऑस्टेशियन ट्यूब इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ये ईयर के अंदर होता है अपने ऑस्टेशियन ट्यूब। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन द मोटर कंट्रोल, सेरेबेलम, सेरेबेलम एक इंपॉर्टेंट ब्रेन का पार्ट है जो कि बॉडी को बैलेंस करने के काम में आता है और मोटरसाइकिल के अंदर यही चीज यूज होती है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए डायरेक्ट करंट इज, डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, जीरो होती है। द वेदा विच डील्स विद द रिचुअल्स इज नोन एज, जो वेदा रिचुअल्स के साथ में डील्स करते हैं जिसके अंदर ये सब बातें हैं वो है यजुर्वेदा। अथर्वेदा के अंदर मेडिसिन है, सामवेद के अंदर म्यूजिक है और ऋग्वेद के अंदर सारे हेम्स हैं। प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना इज रिलेटेड टू, तो उज्ज्वला योजना जो है प्राइम मिनिस्टर की वो किस चीज़ को लेकर है, वो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन है एलपीजी का कनेक्शन टू द सोशली बैकवर्ड क्लासेस, सभी के घरों में एलपीजी कनेक्शन हो। ओके, इसीलिए ये स्कीम लॉन्च करी गई थी तो, और ये सोशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए इसको लॉन्च किया गया है। एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी इज द प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो एग्रोनॉमी है ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसके अंदर रेज किया जाता है प्लांट्स और एनिमल्स को और इनकी स्टडी की जाती है। बिसाइड CO2 द अदर ग्रीन हाउस गैसेज, तो CO2 के अलावा जो ऑप्शन थे उसके अंदर अदर ग्रीन हाउस गैस कौन सी थी, CH4 थी, मिथेन। द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज कंपाइल्ड सेंट्रल, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया अगर आप नेशनल इनकम निकालोगे इंडिया की तो ये कौन निकालता है, CSO सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन निकालती है। द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट फॉल्स अंडर द, तो जो सेंटर और अगर स्टेट के बीच में कोई अगर डिस्प्यूट हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल पावर है,
ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर आता है, यानी कि ओरिजिनल पावर है जिसके तहत वो उसको सुलझाएगा। तो ये किसके अंदर आता है? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर आता है। और अपील ज्यूरिडिक्शन के अंदर कौन सी चीज़ आएगी? जो कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब आएगी तो उसको अपन बोलेंगे अपील ज्यूरिडिक्शन। द वर्ड सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये मुंडका उपनिषद से लिया गया है। मुंडका उपनिषद। वैन ग्रेनाइट रॉक्स गेट मेटामॉर्फस्ड दे फॉर्म, तो ग्रेनाइट रॉक मेटामॉर्फस हो जाती है तो वो जेनेसिस बना देती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी? कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी है? नेचुरल गैस है। बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व बिलोंग्स टू विच मार्केट? तो बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व है, ये लेबर से मार्केट से रिलेट करता है। इन आईटी एसोसिएट मेमरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंटेंट एड्रेसेबल मेमरी। तो कंटेंट एड्रेसेबल मेमरी है जो कि एसोसिएट मेमरी को कहा जाता है। एडिशन ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटीज इन टू सेमी कंडक्टर इज नोन एज डोपिंग। क्योटो प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विद द, क्योटा प्रोटोकॉल एसोसिएटेड क्लाइमेट चेंज को लेके। ओके, क्योटा और नगोया दो तरीके की ये प्रोटोकॉल्स है जो कि डिसाइड करे गए थे दुनिया के अंदर। नगोया प्रोटोकॉल जो है, नगोया प्रोटोकॉल के अंदर क्या था? इक्वल एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग थी। एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग यानी कि किसी देश के अंदर दूसरा देश अगर कोई इन्वेस्ट करेगा तो वहाँ के अंदर कोई अगर बिजनेस कोई प्रॉफिट होता है तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उसके अंदर वो प्रॉफिट को शेयर करेंगे। क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर क्या है? क्लाइमेट चेंज को लेकर, ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर इसके ऊपर काम किया जाता है क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर। दोनों ही जापान की सिटीज़ का नाम है। इब्राहिम अलकाजी इज एन इमिनेंट पर्सनैलिटी इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया? तो इब्राहिम अलकाजी थिएटर का बहुत बड़ा नाम है और ये NSDK के भी डायरेक्टर रहे हैं, कई सालों तक डायरेक्टर रहे हैं NSDK के, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से के। ये बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कूल है दिल्ली के अंदर जहाँ पे एक्टिंग और डायरेक्शन सिखाया जाता है। ओमपुरी, आपके ओमपुरी के अलावा नशुद्दीन शाह, इरफान खान सभी यहीं से ही पास आउट हैं। तो इब्राहिम अलकाजी का क्या कौन है? थिएटर के बहुत बड़े नाम थे, नाम है। स्कोडा विच लॉन्च्ड सीडान रैपिड इज ए ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बेस्ड इन। तो स्कोडा जो कंपनी है जिन्होंने सीडान लॉन्च करी है रैपिड नाम की, कौन से देश की है? ये चेक रिपब्लिक की है। सथीरिया इज ए क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ, सथीरिया कौन से देश, कौन से स्टेट का क्लासिकल डांस है? ये आसाम का है। पीवी सिंधु ने डिफीट किया था वैंग जियांग को टू एंटर इनटू द सेमीफाइनल्स ऑफ अ वुमेन सिंगल्स ऑफ बैडमिंटन एट द रियो ओलंपिक। ओके, तो सेमीफाइनल में एंटर करने के लिए वैंग जियांग को हराया था। और वैंग जियांग कौन से देश की थी? वो चाइना की है, चाइना की थी वैंग, जिनको हरा के एंटर किया था सेमीफाइनल के अंदर रियो ओलंपिक के अंदर पीवी सिंधु ने। इफ ए बजट इज डिफीटेड इन द लेजिस्लेशन ऑफ ए स्टेट देन, अगर बजट डिफीट हो जाता है लेजिस्लेशन किसी भी स्टेट का तब क्या होता है? सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री और CM को रिजाइन करना पड़ता है। वैसे ही सेंटर में होता है, अगर पार्लियामेंट के अंदर बजट पास नहीं हो पाता है तो PM को रिजाइन करना पड़ता है और सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी रिजाइन करना पड़ता है। वैसे ही स्टेट में होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेपर वॉज एडिटेड बाय द गांधी जी इन साउथ अफ्रीका? क्वेश्चन वापस से रिपीट हुआ है। गांधी जी के अंदर ने इंडियन ओपिनियन नाम का पेपर है जो कि साउथ अफ्रीका में पब्लिश कराया था। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इंडियाज फर्स्ट वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड? तो पहला वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट किसके अंदर हुआ? कोची के अंदर लॉन्च किया गया था। मेहबोमियन ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन, तो मेहबोमियन ग्लैंड्स हैं वो आई के अंदर होते हैं, अपनी आंखों के अंदर होते हैं। और इनका अगर डाई फंक्शन हो जाता है तो क्या होती है? आंखें क्या होती है? ड्राई हो जाती है। ओके, ड्राई आई बोलते हैं इनको, ड्राई आई डिसऑर्डर हो जाता है। इन विच सिटी इज इंडियाज फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ATM ओपन? तो पोस्ट ऑफिस ATM ओपन कहाँ पे हुआ है? चेन्नई के अंदर इसको ओपन करा गया है। आर्सेनिक प्रॉब्लम किस वजह से होती है? ये ओवर एक्सप्लोटेशन होती है ग्राउंड वाटर के अंदर की वजह से। आर्सेनिक प्रॉब्लम इंडिया में होती है ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर इन द अफेक्टेड एरियाज। अगर पानी नहीं है उसके बाद में आप ग्राउंड वाटर निकाले जा रहे हो तो आपको आर्सेनिक प्रॉब्लम्स हो सकती है। मैन सिंगल्स विंबलडन चैंपियनशिप 2016 इज बैक बाय, तो एंडी मुरे हैं जो ब्रिटेन के, जिन्होंने विंबलडन चैंपियनशिप 2016 की जीती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर वाटर सॉल्युबल? वाटर सॉल्युबल कौन कौन से विटामिन है? विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सॉल्युबल है। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स इफ इट इज पॉसिबल टू मेक समवन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन वर्स ऑफ देन द सिचुएशन इज, अगर किसी को बेटर ऑफ और करना है विदाउट मेकिंग समवन वर्स ऑफ तो सिचुएशन को क्या बोलेंगे? पैरेटो सुपीरियर बोलेंगे, पैरेटो सुपीरियर। ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या है कि ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी ड्यू टू द एटमोसफेयरिक गैसेज, एटमोसफेयर जो ट्रैप हो जाती है सोलर, जो वापस टकराने के बाद में वापस जारी होती है जब ये सोलर एनर्जी, तो गैसेस के वजह से ट्रैप हो जाती है, उसी को अपन बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। जनरल डायर हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियावाला बाग मैसेकर वाज शॉट डेड बाय, तो जनरल डायर जो कि रिस्पॉन्सिबल थे जलियावाला बाग के मैसेकर के लिए, इनको शॉट डेड किया उधम सिंह ने। ओके, जनरल ओ डायर थे वैसे ही, जो क्वेश्चन पूछा गया है वैसे
ये क्वेश्चन इतना रेलिवेंट नहीं था क्योंकि जनरल ओ डॉयर थे जिनको उधम सिंह ने मारा था। ओके, और ये उस टाइम पे वहाँ के गवर्नर थे। और जिस मूवीज के अंदर और बाकी जगह पे जो जनरल डायर जो दिखाए जाते हैं, एक्चुअल में जनरल डायर जिन्हों जो कि साइट पे जाके जिन्होंने ऑर्डर किया था, ओके, जलियांवाला बाग के अंदर जाके ऑर्डर किया था शॉट करने के लिए सबको, शूट करने के लिए सबको, तो वो जनरल डायर है, उनकी नेचुरल डेथ हुई थी। हालांकि ये वो वाले जनरल डायर नहीं है, ये जनरल ओ डायर है, जनरल ओ डायर है जिनको उधम सिंह ने मारा था, जो उस टाइम पे वहाँ के गवर्नर थे। द इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट वॉज प्रपोज बाय, जो इनोवेशन थ्योरी प्रॉफिट की है इसको किसने प्रपोज किया था, श्यूमन पीटर ने किया था, श्यूमन पीटर। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट द अर्थ एटमोसफेयर इज, एटमोसफेयर अर्थ के एटमोसफेयर में सबसे अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, नाइट्रोजन है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश हाउसेज ऑफ कॉमन, तो ब्रिटिश हाउसेज ऑफ कॉमन के अंदर सेलेक्ट होने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नेहरू जी। मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर्ड इज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, तो मोहम्मद बिन तुगलक पूरे देश को कंट्रोल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दिल्ली टू देवागिरी कैपिटल को शिफ्ट किया, जिसको लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ। और मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है कि इनकी जितनी भी पॉलिसी थी वो सभी फेल हो गई थी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। ड्यूरिंग द रेन ऑफ द विच डायनेस्टी वॉज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कंस्ट्रक्टेड, तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना किनके ड्यूरेशन में बनाई गई, चिन डायनेस्टी थी जिनके टाइम पे इसको बनाया गया। विंड ब्लोइंग कॉन्स्टेंटली वन डायरेक्शन इन रॉकी डेजर्ट फ्रॉम यार्डिंग्स, तो विंड अगर एक ही डायरेक्शन में ब्लो कर रही है रॉकी डेजर्ट के अंदर, तो उसको अपन बोलते हैं यार्डिंग्स। स्पाइगोनो मोनोमीटर मेजर द ब्लड प्रेशर इन द आर्टरीज, तो स्पाइगोनो मोनोमीटर क्या मेजर करता है, बीपी मेजर करता है अपनी आर्टरीज के अंदर। द रिवर्स इफेक्ट ऑफ एक्सरे इमिशन इज, तो जो रिवर्स इफेक्ट है एक्सरे इमिशन का वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। विनमैक्स स्टैंड फॉर, तो विनमैक्स किस चीज़ के लिए, उसकी फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेटेबिलिटी फॉर द माइक्रोवेव एक्सेस। ओके, इंटरऑपरेटेबिलिटी फॉर द माइक्रोवेव एक्सेस, तो इसको अपन बोलते हैं विनमैक्स। इंडिया इज डेवलपिंग चाहबार पोर्ट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो चाहबार पोर्ट जो इंडिया बना रहा है वो ईरान के अंदर बना रहा है। ओके, चाइना ने पाकिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट बनाया, उसी को काउंटर अटैक करने के लिए इंडिया ने बनाया ईरान के अंदर चाहबार पोर्ट। दीपा कारमांकर इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी क्वालिफाइड फॉर रियो ओलंपिक गेम्स इन विच स्पोर्ट्स, तो दीपा कारमांकर बिलोंग करती है जिमनास्टिक्स से, जिन्होंने रियो ओलंपिक के अंदर फोर्थ पोजीशन हासिल करी। व्हाट इज द नेम ऑफ द डेडली वॉल्केनो इन इंडोनेशिया दैट इंटरप्ट अगेन इन द मे 2016, तो इंडोनेशिया का जो डेडली वॉल्केनो है उसका नाम क्या है, जो कि वापस से एक्टिव हो गया था 2016 के अंदर, माउंट सिंगाबंग है इसका नाम। वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट रेल टनल गोथर्ड बैसल टनल इज लोकेटेड इन विच कंट्री, तो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट और डीपेस्ट रेल टनल है वो कहाँ पर है, वो है स्विट्जरलैंड के अंदर। सीडो इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ, सीडो किस चीज़ के डेवलपमेंट किया करता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज का। द व्हीलर आइलैंड वाज बीन रिनेम्ड एज, तो व्हीलर आइलैंड जो था उड़ीसा के अंदर उसका नाम वापस रखा गया, और रखा गया अब अब्दुल कलाम आइलैंड, ये कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर है। विच इज़ द बिगेस्ट बिल्डिंग एट द मोहनजोदाड़ो, तो मोहनजोदाड़ो के अंदर बिगेस्ट बिल्डिंग का नाम क्या है, ग्रेट ग्रैनी है, ग्रेट ग्रैनरी इज द बिगेस्ट बिल्डिंग एट मोहनजोदाड़ो। वन ऑफ द कॉमन फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट एट द इंफॉर्मेशन इज इन द फॉर्म ऑफ थेमेटिक मैप्स, तो थेमेटिक मैप्स क्या होते हैं, देखिए दो तीन तरह के मैप्स होते हैं, पॉलिटिकल, फिजिकल और थेमेटिकल। पॉलिटिकल में सिटीज होती है, फिजिकल में रिवर्स होती है, और थेमेटिक एक स्पेशल थीम के ऊपर बनाए जाते हैं। ओके, जैसे रेनफॉल को लेके पर्टिकुलर थीम या स्पेशल टॉपिक को लेके ये मैप्स बनाए जाते हैं। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस विच रिवर, भाखड़ा नांगल बनाया गया सतलज के ऊपर। द ग्रुप ऑफ सोलर सेल्स ज्वाइंट टुगेदर इन अ डेफिनेट पैटर्न इज कॉल्ड द सोलर सेल पैनल। केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सीमेंट इज, सीमेंट के अंदर कौन कौन से केमिकल चीज़ें मिलाई जाती हैं, लाइमस्टोन, क्ले, जिप्सम, मैग्नीशियम, ये सभी इसके अंदर मिलाए जाते हैं। ए स्ट्रेच ऑफ सी वाटर पार्टली और फुली सेपरेटेड बाय नैरो स्ट्रिप फ्रॉम मेन सी इज कॉल्ड लगून, अगर मेन सी से, मेन लैंड से अगर किसी चीज़ को सेपरेट करता है थोड़ा सा कोई एरिया, नैरो स्ट्रिप, ओके, उसको अपन बोलते हैं लगून्स। द सिग्मोइड कोलन इज अ पार्ट ऑफ, जिस कोलन जो है जो कि लार्जेस्ट पार्ट होता है अपना इंटेस्टाइन का, उसको अपन बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। बिगनिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2017-18 नीति आयोग प्लान टू रिप्लेस द 5 ईयर प्लान विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो नीति आयोग ने प्लान रिप्लेस किया है 5 ईयर का प्लान किसके साथ में, 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट के साथ में। द कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स अ मसल टू अ बोन इज, तो कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्ट करती है मसल को बोन के साथ में, उसको बोलते हैं अपन टेंडन। इंडियन सिटीजनशिप इज ग्रांटेड बाय, तो भारतीय
नागरिकता कौन देगा? द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देगी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज लिविड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ओनली? तो एंटरटेनमेंट टैक्स है जो कि स्टेट गवर्नमेंट लगाती है. एस डी आई इज अ एग्रीगेट मेजर ऑफ प्रोग्रेस इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन? तो एस डी आई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये तीन पैरामीटर के ऊपर बनाया जाता है, हेल्थ एजुकेशन और इनकम. इसके अंदर तीन चीज़ें देखी जाती है, हेल्थ एजुकेशन और इनकम. द वर्किंग कमेटी ऑफ नेशनल कांग्रेस सेंक्शन द रिजोल्यूशन नेम्ड क्विट इंडिया एट. तो वर्किंग कमेटी जो नेशनल कांग्रेस की है उसने सेंक्शन किया था क्विट इंडिया, कहाँ पे? वर्धा के अंदर. प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल आर्टिकल्स इज डन इन द साइंस ऑफ म्यूसोलॉजी. हिस्टोरिकल आर्टिकल्स को प्रिजर्वेशन किया जाता है इन द साइंस ऑफ म्यूसोलॉजी. अल्फाफा इज द नेम ऑफ ए ग्रास. तो अल्फाफा क्या है? अल्फाफा क्या है? एक ग्रास का नाम है. द केमिकल दैट इज यूज टू रिपिन मैंगोज इज. तो केमिकल जो मैंगोज को पकाने के लिए यूज किया जाता है वो है कैल्शियम कार्बाइड. द टर्म स्मैशर इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? तो स्मैशर यूज किया जाता है वॉलीबॉल के अंदर. डैश इन्वॉल्व्स ट्रांसवर्सिंग द एंटायर फाइल सिस्टम मार्किंग एवरीथिंग दैट कैन बी एक्सेस. तो गार्बेज कलेक्शन है ओके, जिसके अंदर ट्रैवर्सिंग द एंटायर फाइल सिस्टम मेकिंग एवरीथिंग दैट कैन बी एक्सेस. नायलॉन थ्रेड्स आर मेड अप ऑफ. नायलॉन थ्रेड्स किससे बनती है? पॉलीमाइड पॉलीमर से बनती है, पॉलीअमाइड से. द लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड कनेक्ट्स लेनिनग्राड और द व्लादिवोस्तोक. लेनिनग्राड और व्लादिवोस्तोक है जगह जो कि रशिया के अंदर है. ये यहाँ पे क्या है, लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन है दुनिया की जो कि इन दो जगहों को कनेक्ट करती है. हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टू बी कॉन्स्टिट्यूशन बाय इंडिया हैज बीन सो फार? तो 122 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुके हैं अभी तक राइट नाउ ओके, और 121वां है आपका जीएसटी. द चेयरपर्सन एंड द ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो NDMA के जो चेयरपर्सन है वो है कि जो कि कौन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है. और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के भी चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर ही है. व्हेन द ऑफिसेस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फॉल वैकेंट साइमल्टेनियसली हु एक्ट एज अ प्रेसिडेंट? अगर वाइस प्रेसिडेंट भी और प्रेसिडेंट दोनों के ऑफिस वैकेंट है तो प्रेसिडेंट कौन बन जाएंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे. गोइटर इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ. तो गोइटर किसकी डेफिशिएंसी से होता है? आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है. फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू टेक प्लेस द मेटल यूज एज अ कैथोड शुड हैव लो वर्क फंक्शन. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूज करने के लिए मेटल यूज एज अ कैथोड, जो मेटल यूज करते हैं अपन एज अ कैथोड, उसके पास हमेशा लो वर्क फंक्शन होना चाहिए. द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय. तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैसे हटा सकते हो आप? उसको रिजोल्यूशन पास कर सकते हो लोकसभा के अंदर. वॉट डज सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पैनल कोड डील्स विद? तो 124A इंडियन IPC का जो धारा है 124A, वो किसी के साथ डील करती है? वो सेडिशन के साथ डील करती है. विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर फोटोग्राफिकिंग द सन? तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि फोटोग्राफिकिंग कर सन के करने के लिए काम में लिया जाता है? स्पेक्ट्रो हेलियोग्राफ इंस्ट्रूमेंट है जो कि फोटोग्राफिकिंग की जाती है जिससे सन की. विच कंट्री वॉन 2016 मैन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी? तो चैंपियंस ट्रॉफी जो हॉकी की 2016 के अंदर हुई है उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता था. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ G8? तो G8 का कौन सा देश है जो कि मेंबर नहीं है? रशिया इसका मेंबर नहीं है. हालांकि दुनिया की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का सभी का रशिया मेंबर है लेकिन यहाँ पे नहीं है. US, UK, कैनेडा, फ्रांस, उसके बाद जर्मनी, इटली, जापान, ये सभी इसके मेंबर हैं और साथ में यूरोपियन यूनियन भी है ओके, जिन्होंने इनको G8 को ऐड सपोर्ट किया है. द मेन प्रोटीन फाउंड इन द मिल्क इज. तो मेन प्रोटीन है जो मिल्क के अंदर मिलता है वो है कैसिन. विच ऑर्गन गेट अफेक्टेड इन द वेल डिजीज? तो वेल डिजीज के अंदर किडनी इफेक्ट करती है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑफिशियल स्लोगन फॉर द 2016 रियो ओलंपिक एंड द पैरा ओलंपिक गेम्स? रियो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गेम्स जो हैं उसका दोनों का ऑफिशियल स्लोगन क्या था? ए न्यू वर्ल्ड था, आपको ध्यान रखना है. अ डेली वेदर मैप ऑफ इंडिया इज प्रिपेयर्ड एंड प्रिंटेड एट. डेली वेदर मैप कहाँ प्रिपेयर होता है और प्रिंट होता है? पुणे के अंदर होता है. द कैपिटल ऑफ द मॉडर्न किंगडम वॉज लोकेटेड एज. कैपिटल क्या थी मॉडर्न किंगडम की? पाटलिपुत्र थी. गोल्डन हैंड शेक स्कीम इज द नेम ऑफ वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम. तो गोल्डन हैंड शेक स्कीम क्या थी? आप अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले सकते हैं, उस स्कीम का नाम था. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर लेड डाउन इन द फॉलोइंग आर्टिकल. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आप बदलाव कर सकते हैं. ये कहाँ, कौन सी आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 368 में लिखा हुआ है ओके, 368 में लिखा हुआ है. तो इसी को चीज़ को लेकर इंदिरा गांधी ने इसके अंदर काफ़ी अमेंडमेंट कर दिए थे और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ा केस लड़ा गया.
हु इज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? तो वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग के कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगरिया हैं, जो कि वाइस चेयरपर्सन है नीति आयोग के, डॉक्टर अरविंद पनगरिया। द सिटी ऑफ विजयनगर इज ऑल्सो नोन एज हम्पी। तो सिटी ऑफ विजयनगर को ऑल्सो नोन एज हम्पी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ तुगलक डायनेस्टी इशूड कॉपर कॉइन इंस्टेड ऑफ सिल्वर वंस? तो कॉपर कॉइन इशू करने वाले इंस्टेड ऑफ सिल्वर कॉइन कौन से तुगलक डायनेस्टी के सुल्तान थे? वो थे मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने कह दिया था कि सिल्वर की स्केट सिटी होने के ऊपर कि अगर सिल्वर कम है तो आप कॉपर को ही सिल्वर मान लीजिए। उससे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डुप्लीकेसी हो गई और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया सल्तनत को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ रीजन इज मोस्ट प्रॉन टू अर्थक्वेक? तो अर्थक्वेक के प्रॉन वाला एरिया कौन सा है, जो कि ऑप्शन में दिया गया था, जो कि था गंगा ब्रह्मपुत्र वैली थी। हनी दैट हैज़ हाई कंसनट्रेशन ऑफ शुगर डज नॉट डिके बिकॉज, तो हनी के अंदर हाई कंसनट्रेशन होता है शुगर का और वो डिके खराब नहीं होती है, क्योंकि बैक्टीरिया कैनॉट सर्वाइव इन एन एक्टिव स्टेट इन अ सोल्यूशन ऑफ हाई ऑस्मोटिक स्ट्रेंथ एज वाटर इज ड्रॉन आउट। तो बैक्टीरिया इतने थे एक्टिव स्टेट के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। एट लो टेम्परेचर लेड बिहेव एज ए सुपर कंडक्टर, लो टेम्परेचर में लेड बिहेव करते हैं एज ए सुपर कंडक्टर। इन नेटवर्क से स्मॉल मैसेज यूज टू पास बिटवीन वन स्टेशन टू अनदर इज नोन एज टोकन। तो स्मॉल मैसेज जो पास होता है नेटवर्क के अंदर एक स्टेशन से अनदर स्टेशन, उसको अपन बोलते हैं टोकन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर? तो स्टार्च है जो कि एक नेचुरल पॉलीमर है। और विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स ले एग्स? कौन सा ऐसा मैमल है जो कि अंडे देता है, जो कि है प्लेटपस। अकबर टॉम कौन सी जगह पर है? अकबर टॉम है सिकंदरा के अंदर। भीमसेन जोशी किस फील्ड से रिलेटेड है? वो है क्लासिकल म्यूजिक से, बहुत ही फेमस पर्सन है। सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूएन कंप्रेसर ऑफ 10 परमानेंट मेंबर्स एंड देयर टेनर इज? सिक्योरिटी काउंसिल नॉन परमानेंट मेंबर्स बनते हैं उसके 10 और 5 है परमानेंट मेंबर्स। तो ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स कितने साल के लिए बनते हैं? 2 साल के लिए। थ्री पिट का सेक्रेट प्ले बुक से किनकी? बुद्धिस्ट की। इफ ए कंट्री डिवेल्यूज करेंसी, अगर कोई देश अपनी करेंसी को डिवेल्यू कर लेता है तो क्या हो जाएगा? जैसे इंडिया की अगर अभी डॉलर 60 रुपये 70 रुपये चल रहा है और इंडिया अभी इसको 1 रुपये अगर इसको और ज़्यादा कर ले, $1 के अगेंस्ट 100 रुपये कर ले, तो क्या होगा? एक्सपोर्ट तो चीप हो जाएगा और इम्पोर्ट बिकम कॉस्टली। आप आईफोन तो बहुत महंगे में आपको मिलेगा, क्योंकि आपने इंडिया ने क्या कर लिया, अपनी करेंसी को डिवेल्यू, अभी 60 रुपये था, बाद में डिवेल्यू करके 100 रुपये कर दिया, $1 का 100 रुपये हो गया, तो आपको आईफोन खरीदना महंगा हो जाएगा, यानी कि इम्पोर्ट महंगे हो जाएंगे और आपके एक्सपोर्ट बहुत ही चीप हो जाएंगे, क्योंकि आपकी वैल्यू करेंसी की बहुत कम है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल शोज अलट्रॉफी इन ए लिक्विड स्टेट? तो सल्फर है जो कि नॉन मेटल है और अलट्रॉफी दिखाता है लिक्विड स्टेट के अंदर। सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ GDP इंडेक्स मेजर्स, सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन जो GDP इंडेक्स है वो मेजर करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। रागिनी इज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ फोक डांस, फोक सॉन्ग बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ। तो रागिनी जो पॉपुलर सॉन्ग है, फोक सॉन्ग है, वो हरियाणा से बिलोंग करता है। रेडक्लिफ लाइन बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। दीपिका कुमारी आर्चरी से बिलोंग करती है। इबोला स्टैंड्स फॉर, इबोला क्या है? ये एक वेस्ट अफ्रीका के अंदर एक वायरल डिजीज था जो कि काफ़ी कुछ टाइम पहले काफ़ी फैल गया था। द वायरस ऑफ एड्स अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ, जो वायरस है एड्स के वो आपको इम्यून सिस्टम को ख़राब करते हैं और टी सेल्स है जो कि आपके हेल्पिंग सेल्स होते हैं ब्लड के अंदर, उनको इफेक्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर? तो सुपर फॉस्फेट एक नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर नहीं है। एब्सोल्यूट जीरो इज अ टेम्परेचर एट विच मॉलिक्यूल मोशन इन अ गैस वुड सीज। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर क्या होता है? मॉलिक्यूल मोशन इन ए गैस वुड क्रीज। सबसे जो ऑप्शन दिया गया था उनमें सबसे लोवेस्ट लिटरेसी रेट कौन से स्टेट की थी, जो कि बिहार की है। विच डेट इज लाइकली टू एक्सपीरियंस द शॉर्टेस्ट डे? शॉर्टेस्ट डे होता है 22 दिसंबर को, इक्वानॉक्स बोलते हैं इसको। शॉर्टेस्ट डे माफ कीजिएगा, इक्वानॉक्स होता है जब आपके डे और नाइट दोनों इक्वल होते हैं। ओके, जिस दिन आप और नाइट आपके जो इक्वल होते हैं उनको अपन बोलते हैं इक्वानॉक्स। और शॉर्टेस्ट डे कौन सा है? 22 दिसंबर को था। प्रिसिपिटेशन इज द फॉर्म ऑफ अ मिक्सचर ऑफ रेन एंड स्नो इज कॉल्ड द स्लीट। जो प्रिसिपिटेशन होता है, मिक्सचर होता है जिसके अंदर स्नो और रेन का, उसको अपन बोलते हैं स्लीट। फ्यूज वायर इज मेड ऑफ अलॉय ऑफ, फ्यूज वायर बनते हैं टिन और लेड के अलॉय से, टिन और लेड के मिक्सचर से। बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ द बायोलॉजिकल मटीरियल अंडर एनारोबिक कंडीशन इज फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन होता है जिसके अंदर क्या होता है? एनारोबिक कंडीशंस। ओके, एनारोबिक कंडीशंस के अंदर क्या होता है? आपको ऑक्सीजन डायरेक्टली नहीं मिलता है, एरोबिक कंडीशन के अंदर आप डायरेक्टली ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज अ लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी? विजिबल लाइट है जिसकी लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी है। UDP इज ए कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। UDP क्या है? कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है।
इम्पोर्टेंट बुक रिटन बाय द कौटिल्या, कौटिल्या ने सबसे इम्पोर्टेंट बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट वर्ल्ड, वेस्ट कोस्ट इन इंडिया इज नोन एज, तो नॉर्दर्न पार्ट है जो वेस्ट कोस्ट के अंदर, उसको अपन बोलते हैं कोंकण कोस्ट। ओके, वेस्ट कोस्ट के अंदर कौन सा है? कोंकण कोस्ट। द एलिमेंट, जहाँ पर कोंकण रेलवेज भी है। द एलिमेंट नोन एज द प्राइमरी न्यूट्रिशन फॉर प्लांट, प्लांट के लिए सबसे प्राइमरी न्यूट्रिशन कौन सा है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। आपको ध्यान रखना है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम सबसे प्राइमरी सोर्स है न्यूट्रिशन के। रिहिनोज कौन से स्टेट के अंदर मिलते हैं? रिहिनोज और कौन से सेंचुरी के अंदर मिलते हैं? रिहिनोज मिलते हैं आपको काजीरंगा के अंदर, और ये आसाम के अंदर है। डेविस कप इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ, डेविस कप किसके साथ एसोसिएटेड है? लॉन टेनिस के साथ में एसोसिएटेड है। और 2016 के जो विनर है डेविस कप के, वो कौन है? अर्जेंटीना है, जिन्होंने क्रोएशिया को हराया था। चार्ल्स डार्विन द फेमस इवोल्यूशनिस्ट प्रपोजेस थ्योरी इन विच बुक, वन ऑफ द बुक, तो चार्ल्स डार्विन की वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बुक्स जो थी, जिसमें उन्होंने इवोल्यूशन ऑफ द स्पीशीज और सबके बारे में बताया था, वो थी द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ओके, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के अंदर इन्होंने सब कुछ बताया था कैसे इवोल्यूशन होता है। ग्रीन बैंकिंग मीन्स, तो ग्रीन बैंकिंग का मतलब क्या है? बैंक फाइनेंसिंग प्रो इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स, तो इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स को अगर आप फाइनेंस कर रहे हो, फिनेंस कर रहे हो, तो उनको बोलते हैं ग्रीन बैंकिंग। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो पहले गवर्नर जनरल भारत के कौन थे इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर? वो थे राजगोपालाचारी। अ फ्रेश एग वेयर प्लेस इन अ सॉल्ट वाटर विल बी फ्लोट, फ्रेश एग अगर आप सॉल्ट वाटर में रखोगे तो वो क्या करेगा? फ्लोट करेगा। अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड फॉर्म ऑफ ब्रिंजल नोन एज बीटी ब्रिंजल हैज बीन डेवलप्ड, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इज टू मेक इट पेस्ट रेजिस्टेंट। हमें जो ज़्यादातर जो बायोलॉजिकली ट्रीटेड जो बन रहे हैं आजकल, जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो फॉर्म बन रही है, जैसे बीटी ब्रिंजल है और बहुत सारे टमाटो पटेटो और ये सब जो बन रहे हैं, ये किस लिए बनाए जा रहे हैं? तो उनकी यील्ड बढ़ाने के लिए, और दूसरा उनको पेस्ट रेजिस्टेंट करने के लिए। ओके, दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। थ्री क्रॉप्स दैट कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू द ग्लोबल फूड ग्रेन प्रोडक्शन आर, तो सबसे ज़्यादा ग्लोबल फूड प्रोडक्शन के अंदर कंट्रीब्यूट करने वाले तीन फ्रूट कौन से हैं, क्रॉप्स कौन से हैं? वीट, राइस एंड मेज। वीट, राइस एंड मेज है जो कि मेजर हैं। ओके, टर्शरी एक्टिविटी कौन सी है? ट्रेडिंग है। द कंपाउंड यूज इन द प्रिकलिंग हीट पाउडर टू प्रिवेंट एक्सेसिव स्वेटिंग इज, तो हीट पाउडर यूज करके एक्सेसिव स्वेटिंग रोकने के लिए कंपाउंड यूज होता है, वो होता है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड यूज करके आप प्रिकलिंग हीट पाउडर को प्रिवेंट कर सकते हो, तो एक्सेसिव स्वेटिंग्स है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली लीस्ट लाइकली टू बी एन इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो सबसे ज्यादा लीस्ट इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग का कौन सा था? डिक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन वेजिटेशन। ओके, डिक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन वेजिटेशन इज द लीस्ट लाइकली टू बी एन इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। विच स्टेट इन इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड फैट टैक्स ऑन जंक फूड, तो फैट टैक्स लगाने वाला केरला है। गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया वॉज हेल्ड एट, तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सी जगह पे हुआ था? चंपारण में हुआ था। ओके, सी ए के चंपारण में, उसके बाद में उन्होंने अहमदाबाद के अंदर किया, उसके बाद में उन्होंने खेड़ा के अंदर किया, सी ए के, आपको ये ध्यान रखना है, चंपारण, अहमदाबाद, फिर खेड़ा सत्याग्रह। गोल्डन क्वाड्रिलेटर किन के टाइम पे बनाया गया था? इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनको जोड़ने के लिए गोल्डन क्वाड्रिलेटर प्रोजेक्ट बनाया गया था। इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जिनको जोड़ा गया था, वो अटल बिहारी वाजपेयी का प्रोजेक्ट था, जिस उनके टाइम पे इसको स्टार्ट किया गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज द लार्जेस्ट शेयर इन पावर जनरेशन इंडिया, तो थर्मल पावर है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जिसमें लार्जेस्ट जिनसे पावर जनरेशन इंडिया में हो रहा है। एट रेट विच आर बी आई गिव शॉर्ट टर्म लोन टू कमर्शियल बैंक, आर बी आई जो शॉर्ट टर्म लोन देता है कमर्शियल बैंक को, उसको बोलते हैं अपन रेपो रेट। द नेशनलाइजेशन ऑफ द मेजर कमर्शियल बैंक टेक प्लेस इन, नेशनलाइजेशन मेजर कमर्शियल बैंक का हुआ था स्टार्ट 1969 के अंदर। ओके, और लोकसभा सेक्रेटरेट किसके अंदर आता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा के अंदर आता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट्स कम्युनियल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स, तो कौन सा ऐसा एक, कौन सा एक्ट था जिसके तहत मुस्लिम्स को एक अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया? वो था एक्ट ऑफ 1909, 1909 के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए जारी कर दिया गया था। वेयर इज द बृहदेश्वर टेम्पल बिल्ड ड्यूरिंग द चोला पीरियड लोकेटेड, तो बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पर है जो कि चोला पीरियड के टाइम पर बनाया गया था? वो है तंजावुर के अंदर। द फर्स्ट प्रोटोकॉल टू बैन द इमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन द एटमोसफियर वॉज मेड इन मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल कैनेडा, कैनेडा के अंदर इसको, मॉन्ट्रियल के अंदर इसको साइन किया गया था, जिसके तहत अब इमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को बैन कर दिया गया था। और द ब्लड ग्रुप वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था लैंड स्टेनर ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
मैग्नेटिक मेरिडियन इज है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, ये एक प्लेन है पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ ऑफ द अर्थ। तो अगर मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ को मेरे को जोड़ना है, ओके, तो मैं इसको बोलूँगा मैग्नेटिक मेरिडियन। प्रोग्राम्स दैट डुप्लीकेट द फंक्शनैलिटी ऑफ वन सिस्टम ऑन अनदर सिस्टम इज नोन एज, तो कौन सा प्रोग्राम है जो डुप्लीकेट कर लेता है फंक्शनैलिटीज ऑफ वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, उसको बोलते हैं अपन इमुलेटर्स। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन फ्रॉम आयरन ओर इन्वॉल्व्स अ प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, अगर अपन बनाते हैं आयरन आयरन ओर के आयरन की ओर के साथ में, ओके, तो उसको अपन बोलते हैं रिडक्शन। द रेन फॉरेस्ट द वेजिटेशन दैट ग्रो अंडर द शेड ऑफ अ कैनोपी इज नोन एज अंडर स्टोरी, तो जो रेन फॉरेस्ट है वेजिटेशन है जो शेड कैनोपी की शेड में जो ग्रो हो रहा है उसको अपन बोलते हैं अंडर स्टोरी। द टर्म रोल इन इज यूज्ड इन, रोल इन यूज करते हैं हॉकी के अंदर। और सबसे इंडिया का सबसे बिजेस्ट इंटरनेशनल सी पोर्ट कौन सा है, वो है मुंबई। मुंबई कौन सा है सबसे बड़ा और सबसे बिजिएस्ट इंटरनेशनल, सबसे बिजिएस्ट है इंटरनेशनल सी पोर्ट इंडिया के अंदर। द वर्ड सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इसको ऐड किया गया था, वो किया गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के अंदर। कुछ टाइम पहले ये पूछा गया था थोड़ी देर पहले कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किस चीज़ का हुआ था, कौन सी चीज़ के अंदर ऐड करी गई थी, और अभी उल्टा पूछ लिया गया कि सेक्युलर जो वर्ड है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया था, तो वो था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। इंकलाब जिंदाबाद किसने कॉइन किया था, ये भगत सिंह ने कॉइन किया था। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है और लार्जेस्ट कोरल रीफ है दुनिया के अंदर। डिकोडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ए विजुअल इंफॉर्मेशन इन ब्रेन एसोसिएटेड विद द, डिकोडिंग और इंटरप्रिटेशन जो होता है विजुअल इंफॉर्मेशन का ब्रेन के अंदर वो एसोसिएट है टेम्पोरल लॉब और पैरेंटियल लॉब से। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज एसोसिएटेड विद द इफेक्ट ऑफ, तो लेफ्ट हैंड रूल जो है फ्लेमिंग का वो एसोसिएट है किससे, मैग्नेटिक फील्ड ऑन करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन करंट से एसोसिएटेड है। इमल्जन इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ, इमल्जन क्या होता है लिक्विड इन लिक्विड, अगर आप लिक्विड को लिक्विड में मिलाओगे तो क्या बनेगा आपका इमल्जन बनेगा। डैश इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट एंड कैन बी डिकम्पोज टू प्रोड्यूस बायोगैस, तो स्लज है जिसको अपन बोलते हैं स्लज है जो क्या है एक बायो प्रोडक्ट है सीवेज ट्रीटमेंट का और जिसको अपन डिकम्पोज करके बायोगैस बनाते हैं। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट ब्रिक्स NDA NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक पांच देशों का जो समूह है इनका जो हेडक्वार्टर है न्यू डेवलपमेंट बैंक का, ब्रिक न्यू डेवलपमेंट बैंक का, वो है ब्राजीलिया में, ब्राजीलिया कैपिटल है ब्राजील की। और टिग्रेस रिवर कहाँ पे फ्लो करती है, टिग्रेस रिवर ईरान में फ्लो करती है बगदाद सिटी के साथ में, बगदाद सिटी के पास में कौन सी रिवर है, टिग्रेस रिवर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्रिपेयर कौन करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्रिपेयर करता है UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और इसका जो हेडक्वार्टर इनका वो है न्यूयॉर्क के अंदर NY। देखते हैं अनदर क्वेश्चन, उबर कप इज एसोसिएटेड विद, उबर कप कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएट करता है, उबर कप एसोसिएट करता है बैडमिंटन से। सो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है फ्रेंड्स कि दो तरह के कप्स होते हैं, एक थॉमस कप होता है और एक उबर कप होता है। उबर कप है फीमेल के लिए, ओके, और थॉमस कप है मैन के लिए। और 2016 का जो मैन का जो थॉमस कप जीता है वो जीता है डेनमार्क ने और फीमेल का जीता है चाइना ने, और ये दोनों ही टूर्नामेंट हुए कहाँ पे, चाइना के अंदर। ये इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी सी और ध्यान रखनी है। द फूड इन ओनियन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, द फूड जो ओनियन में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज के तौर पे स्टोर होता है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रूरल प्रोग्राम वुड गेट अंडर मनरेगा, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट जो है गारंटी एक्ट इसके तहत कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज एम्प्लॉयमेंट किसी रूरल पुअर को, रूरल जो है रूरल पुअर को कितने दिन के लिए मिलेगा, तो 100 दिन है ये, 100 दिन का कम से कम मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज है जो कि एम्प्लॉयमेंट उनको मिलेगा। शेड्यूल बैंक इज अ बैंक विच इज इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द RBI, तो शेड्यूल बैंक कौन से बैंक होते हैं जो कि RBI के सेकंड शेड्यूल के अंदर आते हैं। ब्लैक सॉयल इज ऑल्सो नोन एज नोन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेम, तो रेगुर सॉयल है जिसका दूसरा नाम ब्लैक सॉयल भी है। व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय पिनानी, तो पिनानी ने जो दूसरी बुक जो बुक लिखी थी उस बुक का नाम है अष्टाध्यायी, ओके, अष्टाध्यायी नाम की बुक है जो कि पिनानी ने लिखी थी। विच डायनेस्टी वॉज स्टार्टेड बाय द केजर खान, तो केजर खान ने कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट करी थी जो कि शहीद द शाहिद डायनेस्टी केजर खान ने स्टार्ट करी थी। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजिंग एयर प्रेशर, एयर प्रेशर यूज करने के लिए आपको बैरोमीटर यूज करना पड़ता है। गस्टेशन रेफर्स टू द सेंस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो गस्टेशन रेफर टू द सेंस ऑफ टेस्ट, ओके, तो गस्टेशन को अपन बोलते हैं जो कि टेस्ट को से उसको अपन रेफर करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव इज प्रोपोर्शनल टू द विच वन ऑफ द फॉलोइंग, किसी भी वेव की इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड से,
square of amplitude. In the following list of devices, which device is used in the network layer? तो network layer के अंदर router use किया जाता है. ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है. NTPC is a central public sector enterprise in which sector? तो NTPC का काम क्या है? National Thermal Power Plant का power generation का. Which state government has launched the smart village program to improve public facilities in village? तो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने स्मार्ट विलेज प्रोग्राम चलाया ताकि पब्लिक फैसिलिटीज विलेज में उनको इम्प्रूव करी जा सके? तो गुजरात आपका आंसर है. तो रोडिग्रियो डिगोंग ड्यूट्री इमर्ज्ड विनर इन 2016 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच कंट्री? तो डिगोंग जो विनर बने हैं 2016 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, वो कौन से देश के हैं? वो फिलीपींस के बने हैं. व्हाइट प्लेग के नाम से टीबी को भी जाना जाता है. आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है. What are Grid Edge Securities? तो Grid Edge Securities क्या है? ये वो सिक्योरिटीज़ है जो कि गवर्नमेंट इशू करती है. ओके, What are Grid Edge Securities? Securities issued by the government. In whose consultation does the President convey and prolong all season of Parliament? तो किसका consult करने के बाद में President session को Parliament में start करते हैं और prolong करते हैं? वो है the Prime Minister of India, the Prime Minister. With which region is the Kevalya associated? तो Kevalya किस रिलीजन से associated है? यह है Jainism से. Kevalya बोलते हैं ज्ञान को. Bauxite is used as a raw material by which industry? तो aluminium industry हमेशा use करती है bauxite. The largest collection of stars, dust and gas held together by gravitational attraction between component is known as? तो जितने भी stars, dust और gas सभी gravitational attraction से combine हैं और एक चीज़ बनाते हैं जिसको अपन बोलते हैं galaxy. थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बनती है कोल से, नेचुरल गैस से और पेट्रोलियम से. व्हेन आयरन रस्ट इज इट्स वेट, आयरन के ऊपर अगर रस्टिंग हो जाएगी तो उसका वेट इंक्रीज हो जाएगा. और ड्राइस्ट लोकेशन अर्थ के ऊपर कौन सी है? चिली है. विच लीडर ऑफ ब्रिटिश लेबर पार्टी वॉज रिसेंटली इलेक्टेड द फर्स्ट मेजर मुस्लिम मेयर ऑफ लंडन? तो कौन से लीडर है जिन्होंने ब्रिटिश लेबर पार्टी ने पहला मुस्लिम मेयर बनाया है लंदन का, जिनका नाम है सादिक खान. ओके, सादिक खान ऐसे पहले मुस्लिम मेयर है लंदन के. लेडी रतन टाटा ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच गेम? तो लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किन से रिलेटेड है? हॉकी से रिलेटेड है. विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी ऑफ एटमोसफेयर? तो हाइग्रोमीटर है जिससे आप मेजर कर सकते हो ह्यूमिडिटी. पंकज आडवाणी बिलियर्ड से एसोसिएटेड है. द जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस वॉज डेवलप्ड बाय वॉलरस है, जिन्होंने जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस किया है. इनसाइड ट्रेडिंग इज रिलेटेड टू? इनसाइड ट्रेडिंग इसको मैं रिलेट करते हैं अपन शेयर मार्केट से रिलेट करते हैं. ऑपरेशनल पीरियड क्या है? पांचवें 5 ईयर प्लान का 2012 से 2017 का है. द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट इन विच ऑल द पावर्स आर कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसको बोलते हैं? इसके अंदर सारी पावर्स किसके पास होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होती है. The school of Indian art, which is also known as Greek Roman Buddhist art, is the Gandhar art. तो गंधार आर्ट वो आर्ट है जिसको अपन इंडो ग्रीक आर्ट भी बोलते हैं, जिसके अंदर माइंड तो होता है इंडियंस का आर्ट बनाते वक्त, और साथ में और आपके हैंड होते हैं किसके? ग्रीक के. तो इसलिए अपन उसको बोलते हैं इंडो ग्रीक आर्ट, गंधार आर्ट. Which one of the following पल्लवा king assumed the title of वातापिटकोंडा आफ्टर डिफीटिंग एंड स्लेइंग द ग्रेट चालुका किंग पुलकेसन सेकेंड? तो कौन से ऐसे पल्लुवा किंग है जिनको अज्यूम किया टाइटल दिया गया वातापिटकोंडा का, जब उन्होंने चालुका किंग को हराया था? तो उनका नाम है नरसिंह वर्मन वन. तो नरसिंह वर्मन प्रथम थे जिनको ये टाइटल दिया गया. तो लैंड फॉर्म्स फॉर्म बाय द वेव इरोजन इज? तो लैंड फॉर्म्स जो कि वेव इरोजन से बनते हैं उसको अपन बोलते हैं केव. Which one of the following is not an electromagnetic wave? तो electromagnetic wave कौन सा नहीं है? कैथोड रे electromagnetic wave नहीं है. Which one of the following is a good electrical conductor? तो good electrical conductor क्या है? Graphite है. Graphite एक good electrical conductor है. Growing agriculture crops between row of planted tree is known as Tangua system. Tangua system क्या है? एक ऐसा system है जिसके अंदर plant को grow किए जाते हैं rows के अंदर. The Union government on 22 May 2016 अपॉइंटेड हुम एज ए न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरेटरी ऑफ पांडिचेरी? तो 2016 के मई के अंदर पांडिचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाई गई किरण बेदी, जो कि बीजेपी से सीएम कैंडिडेट भी, जिनको दिल्ली में बनाया गया था. सेंडिंग ए फ्रेम टू ए ग्रुप ऑफ स्टेशन इज नोन एज मल्टी कास्टिंग. तो मल्टी कास्टिंग के तहत क्या कर सकते हो आप? एक फ्रेम को सेंड कर सकते हो टू ए ग्रुप ऑफ स्टेशन. प्रिंस ऑफ वेल्स कप गोल्फ के साथ में एसोसिएटेड है.
A drainage pattern where a river is joined by its tributaries approximately the right angle is called treeless. Who was the founder of an Indian Reform Association in 1890? तो केशव चंद्र सेन थे जिनको जो कि फाउंडर थे किसके इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के. विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट डील्स विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द एमपीज एंड एमएलएज. तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था, 52वां अमेंडमेंट एक्ट था जिसके तहत आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हो एमएलए और एमपीज को. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द रेट ऑफ द हार्ट बीट. तो सिंपथेटिक नर्व्स है जो इंक्रीज करती है हार्ट बीट को, सिंपथेटिक नर्व्स. द डेफिशिएंसी ऑफ द नाइसिन ए बैक्टीरिया विटामिन ऑफ बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप कॉजेज द डिजीज प्लेगेरा. तो डेफिशिएंसी अगर नाइसिन की हो जाती है जो कि क्या है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, तो उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है प्लेगेरा होता है. द कोर ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो नोन एज द बैरिस्फेयर. ओके, द कोर ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड द बैरिस्फेयर, ये आपको ध्यान रखना है. आयरन एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट एज पॉल्यूटेंट इन वाटर कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय. आयरन और अगर मैग्नीशियम पानी के अंदर प्रेजेंट है तो आप क्लोरिनेशन यानी कि क्लोरीन यूज करके आप इसको रिमूव नहीं कर सकते हो. अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर्स कंट्रोलिंग द सेम ट्रेंड इज कॉल्ड द एलिले. ओके, कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर कंट्रोलिंग द सेम ट्रेंड इज कॉल्ड, इसको अपन बोलते हैं एलिले. द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का क्या है, पॉजिट्रॉन है. द पोलर रीजन आर स्पेस स्पार्शली पॉपुलेटेड बिकॉज ऑफ द अनसुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन. तो पोलर रीजन के अंदर नॉर्थ पोल साउथ पोल में लोग नहीं रहते हैं क्योंकि वहाँ की अनसुटेबल है क्लाइमेटिक कंडीशन. एल्गल ब्लूम रिजल्ट फ्रॉम यूट्रोफिकेशन. तो एल्गी रिवर के अंदर क्यों आती है, बिकॉज ऑफ यूट्रोफिकेशन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट. तो जो पेयर थे उसके अंदर इनकरेक्ट था स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड. मनी ट्रांसफर थ्रू मोबाइल इज कॉल्ड IMPS. तो अगर मोबाइल के थ्रू आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हो तो आप इसको बोलते हैं IMPS. ओके, इमीडिएट पेमेंट सर्विस बोलते हैं इसको अपन IMPS. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए पर्पज फॉर बिल्डिंग फारका बैराज. तो फारका बैराज बनाने के लिए जो पर्पज नहीं था वो था नेविगेशन गंगा रिवर में, उनका को नेविगेट करने के लिए. फैसिलिटिंग नेविगेशन द गंगा रिवर इज नॉट ए पर्पज फॉर बिल्डिंग फारका बैराज. हु डिसाइड्स डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द MP. तो MP के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए डिस्प्यूट कौन डिसाइड करता है, तो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है और साथ में इलेक्शन कमीशन का क्या करेगा, वो कंसल्ट करना पड़ेगा इसके लिए. इन डैश फॉरेस्ट ट्री शेड देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर सीजन. तो कौन से फॉरेस्ट के अंदर ट्री क्या करते हैं, शेड करते हैं अपनी लीव्स को पर्टिकुलर सीजन के अंदर, वो डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं. द फेमस पोएट आमिर खुसरो वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ ऑल एक्सेप्ट फॉलोइंग. तो आमिर खुसरो थे जिनको अपने जिनको कज़िन में फुतेह भी कहा जाता है. ओके, जो कि इंडिया के पोइट्स काफ़ी बड़े पोइट के तौर पर उनको जाना जाता है, तो वो इल्तुतमिश के कंटेम्प्रेरी नहीं थे. G20 इज ए ग्रुप ऑफ 20 लार्जेस्ट इकोनॉमिक्स रिप्रेजेंटेड बाय देयर. तो G20 समिट जो होता है उसके अंदर देश के 20 बड़े देशों के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स आते हैं. तो वहाँ पे सबके देशों के FM आते हैं और साथ में सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स आते हैं. कैच मेमोरी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंसेज. नेशनल फिल्म आर्चीव्स ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये पुणे के अंदर है, NFAI, नेशनल फिल्म आर्चीव्स ऑफ इंडिया. इन इंडिया ब्लैक रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच प्रोडक्ट. तो क्रूड पेट्रोलियम है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ब्लैक रिवोल्यूशन चलाया गया था. वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किसने किया, भारत में राजा राम मोहन रॉय ने किया. ब्रिज मैग्नेट इज है, तो ब्रिज मैग्नेट क्या है, एक अर्थ मोस्ट अबंडेंट मिनरल है. अर्थ का सबसे अबंडेंट मिनरल है कौन सा, ब्रिज मैग्नेट. और 18वें एशियन गेम्स जिनको एशियाड भी अपन बोलते हैं 2018 के कहाँ होंगे, जकार्ता के अंदर होंगे. अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता के अंदर किन्होंने एस्टैब्लिश करी थी, सर विलियम जोन्स ने करी थी. कुतिर ज्योति स्कीम इज एसोसिएटेड विद द, तो कुतिर ज्योति स्कीम किससे एसोसिएटेड है, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने को लेकर है रूरल फैमिलीज में जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है. द सिस्टम ऑफ बजट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग द वाइस रॉयल्टी ऑफ कनिंग. तो सिस्टम ऑफ बजट इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर द वाइस रॉयल्टी ऑफ कनिंग. विच रिवर इन द सदर्न पेनिनसुला इज द लार्जेस्ट सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया. तो साउथ पेनिनसुला की कौन सी रिवर है जो कि सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन बनाती है, जो कि गोदावरी है. हु अमोंग द फॉलोइंग एज अ मैक्सिमम लाइफ स्पैन. तो टोर्टाइज है जिसकी मैक्सिमम लाइफ होती है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन. तो वाटर सोल्यूबल कौन से है, बी और सी दोनों ही वाटर सोल्यूबल है, आपको ध्यान रखना है. बायो फोर्टिफिकेशन क्या है, ये एक मेथड है जिसमें ब्रीडिंग कराई जाती है क्रॉप्स को टू इंक्रीज देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू.
तो न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए दो क्रॉप्स के अंदर ब्रीडिंग कराने को अपन बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। द फोर्स विच मेक ए व्हीकल टू स्टॉप वैन ब्रेक इज अप्लाइड इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे आप ब्रेक लगाते हो जो फोर्स आपके व्हीकल को रोकता है उसको अपन बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। सिंथेटिक डिटर्जेंट आर प्रिपेयर फ्रॉम, सिंथेटिक डिटर्जेंट प्रिपेयर किए जाते हैं हाइड्रोकार्बन्स ऑफ पेट्रोलियम से। ऑल जितने भी डाउट्स होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के तौर पे, तो उनको कौन डिसाइड करेगा और इंक्वायर करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। नेम द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, तो इंडिया की जो लॉन्गेस्ट लेक है वो कौन सी है, वेम्बानेट है। वेम्बानेट लेक है ये कहाँ पर है, केरला में है। केरला में एक और फेमस लेक है जिसका नाम है अस्तामुदी। रेड डेटा बुक प्रोवाइड्स एन अकाउंट ऑफ, तो रेड डेटा बुक क्या बताती है, एंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स बताती है। ओके, जितने भी एंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स है उन सभी का नाम इसमें डाला जाता है जिसको अपन बोलते हैं रेड डेटा बुक। स्विस कैनाल कनेक्ट, स्विस कैनाल कनेक्ट करता है रेड सी को और मेडिटेरियन सी को। कैनवॉट इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो कैनवॉट क्या है, एक एक्साइज ड्यूटी है, इसको अपन बोलते हैं सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि इसका पहला नाम हुआ करता था मॉड वेड। ओके, ये एक एक्साइज ड्यूटी है। माल्थूसियन थ्योरी इज एसोसिएटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, ये किससे रिलेटेड है, पॉपुलेशन से रिलेटेड है। बाय एन अमेंडमेंट ऑफ एन कॉन्स्टिट्यूशन मे बी इनिशिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट चाहिए तो आप उसको दोनों हाउसेज में से एक में इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। कमरअप इज एन एशियन नेम ऑफ विच रीजन ऑफ इंडिया, तो कमरअप एशियन नेम कौन से रीजन है इंडिया का, आसाम का पूरा नाम कमरअप है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पैरामीटर क्या है, पर कैपिटा मॉनेटरी इनकम इज द पैरामीटर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इक्विनॉक्स अकर्स व्हेन द सन इज वर्टिकली अबव द इक्वेटर, इक्विनॉक्स कब होता है, जब आपके दिन और रात दोनों इक्वल होते हैं। ओके, अपन तब उसको अपन बोलते हैं इक्विनॉक्स। 22 सितंबर और 20 मार्च ये दो दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे दिन और रात दोनों इक्वल होते हैं, तो इसी को अपन इक्विनॉक्स बोलते हैं। और इस टाइम पे सन होता है जो वर्टिकली अबव होता है इक्वेटर के। बैटल ऑफ तालीकोटा की वजह के बाद में ही क्या हुआ था, डाउनफॉल हुआ था विजयनगर एम्पायर का, क्योंकि विजयनगर एम्पायर हार गया था किसे, डेक्कन सल्तनत से, उसके बाद ही बैटल उनका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था। लेट्स सी सम अदर क्वेश्चन। द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, सो इसका आंसर है फंगस। फंगस से ही एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनती है। अमॉन्ग द वर्ल्ड ओशंस विच ओशन हैविंग द वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शाफ, तो जितने भी अपने वर्ल्ड के ओशंस है उसके अंदर सबसे वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शाफ किसकी है, वो है आर्टिक ओशंस के। ओके, आर्टिक ओशंस डेटा इन द डेटा बेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज, इट इज नोन एज एक्सटेंशन। सो योर आंसर इज एक्सटेंशन। डेटा इन द डेटा बेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज एक्सटेंशन। विच इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया, सो साउथ की सबसे जो बड़ी रिवर है, पेनिनसुलर रिवर है, वो कौन सी, अपनी गोदावरी है। बहुत ही आसान सवाल था। रेड सॉइल इज नॉर्मली फाउंड इन इंडिया इन विच रीजन, तो रेड सॉइल जो मिलती है अपन को वो इंडिया में कहाँ पे, कौन से रीजन में मिलती है, नॉर्मल डेक्कन प्लेटू में मिलती है अपन को, तो आपका आंसर है ईस्टर्न एंड द सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू। सो हु इंट्रोड्यूस मसबधारी सिस्टम इन इंडिया, सो मसबधारी सिस्टम इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। ओके, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है, ये किसने रखा था, अकबर ने किया था। ये एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, कैसे इसको चलाना है। ओके, एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, मसबधारी सिस्टम। लाइमस्टोन इज अ रॉ मटेरियल यूज बाय विच इंडस्ट्री, तो सीमेंट इंडस्ट्री है जो कि लाइमस्टोन को यूज़ करती है। और द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन, सो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है अपने स्टेट पॉलिसीज को, वो अपने कहाँ से, आयरिश यानी कि आयरलैंड से अपन ने वो लिए हैं, बोरो करे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटेड बाय द कलर ऑफ ए स्टार, सो कलर ऑफ ए स्टार से अपन इंडिकेट करते हैं टेम्परेचर। एटॉमिक नंबर ऑफ एटम गिव द नंबर ऑफ विच फॉलोइंग, तो जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उसके उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना था और आपका आंसर था प्रोटॉन। सो डीपीटी वैक्सीन इज कैटेगराइज एज विच ऑफ द फॉलोइंग, डीपीटी क्या है कि कंबाइंड वैक्सीन है ये। ओके, कंबाइंड वैक्सीन है। विच इज द हाइस्ट क्वालिटी ऑफ हाइट कोल, तो मैंने आपको पहले ही बताया था एंथ्रेसाइज बिटुमिन लिग्नाइट एंड पीट, ये सारे के चार तरीके के थे जिसके अंदर इनकी जो कार्बन कंटेंट है वो ऐसे डिक्रीज होता है। हाईएस्ट किस में होता है, एंथ्रेसाइड में होता है। और सबसे हार्ड कोल भी किस में होता है, एंथ्रेसाइड में ही होता है, और हाईएस्ट क्वालिटी भी इसी की होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायोड आर जनरली यूज फॉर, डायोड यूज़ करते हैं अपन रेक्टिफिकेशन के लिए, किसी भी चीज़ को अगर रेक्टिफाई करना होता है तो अपन डायोड यूज़ करते हैं। एनीमोमीटर मेजर करता है विंड की स्पीड। ओके, एनीमोमीटर मेजर करता है विंड की स्पीड। मिशन इंद्रधनुष कैंपेन चलाया गया था वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए। इंद्रधनुष में जैसे 7 कलर होते हैं वैसे 7 डिजीज थे जिनको अपन काउंटर अटैक कर रहे थे।
ओके तो उनके लिए अपन ने क्या करा था, वैक्सीनेशन चलाई थी बच्चों के लिए। हु इज़ द न्यू डायरेक्टर ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया? तो FTII पुणे के अंदर है ये FTII इंस्टीट्यूट, और NSD के बाद में सबसे अच्छा अपना फिल्म इंस्टीट्यूट है ये FTII। ओके और इसको लेके काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हुए थे, उसी को लेकर बच्चों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया था यहाँ पे, चेयरपर्सन को बना के, डायरेक्टर को बना के, गजेंद्र, मिस्टर गजेंद्र को यहाँ पे डायरेक्टर बनाया गया था, उसको लेके काफ़ी इश्यूज़ हुए थे। तो बाद में भूपेंद्र केलथोला को वहाँ पे बनाया गया। तो भूपेंद्र आपका आंसर था न्यू डायरेक्टर। विच सेल डिसऑर्डर इन आर सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस? तो कलर ब्लाइंडनेस के लिए अपना कौन सा सेल डिसऑर्डर होता है जो कि इसके रेस्पॉन्सिबल है, वो है कौन सेल। ओके कौन सेल आपका आंसर था। हु इज़ द रेसिपिएंट ऑफ मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2016 फॉर द नोवेल द वेजिटेरियन? सो कुछ देर कुछ पहले भी ये क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है, मैंने आपको पहले बताया था हैंग कैंग है। ओके, जो कि इंटरनेशनल अवार्ड और नेशनल अवार्ड दोनों, इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज़ और मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ दोनों ही अलग प्राइज़ है, तो आपको ये ध्यान रखना था। और इंटरनेशनल का मिला था हैंग कैंग को, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था 2016 के अंदर ही, 16 के अंदर ही दो बार पूछा गया ये क्वेश्चन। सेविंग्स दैट पोर्शन ऑफ मनी इनकम दैट इज नॉट स्पेंड ऑन कंजप्शन? तो सेविंग वो मनी होती है जो कि खर्च खर्च अपन नहीं करते हैं, बचा कर रखते हैं। इन विच फील्ड डिड अमृत सेन विन द नोबेल प्राइज? तो अमृत सेन को इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला था, और इनकी जो बेटी है वो है नंदिता सेन जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस भी है। राजा रवि वर्मा वॉज अ पेंटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? राजा रवि वर्मा, इनके ऊपर एक मूवी भी बनी थी रंगरसिया नाम की, जो कि केतन मेहता फेमस डायरेक्टर हैं, उन्होंने इसको बनाया था, और ये केरला से बिलोंग करते थे। हु वॉज अ फाउंडर ऑफ द थियोसोफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया? थियोसोफिकल सोसाइटी इंडिया में एनी बेसेंट ने इसको स्टार्ट करी थी। ओके, और इंटरनेशनली इसकी थी ब्लेवेस्की, इंटरनेशनली तो इसको ब्लेवेस्की ने स्टार्ट किया था, और नेशनल इंडिया के अंदर एनी बेसेंट इसकी फाउंडर थी। हु कॉइन्ड द चिपको स्लोगन इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी? तो चिपको स्लोगन के अंदर किसने ये स्लोगन दिया था, इकोलॉजी क्या है परमानेंट इकोनॉमी है, तो ये सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स? फॉसिल्स के स्टडी को अपन बोलते हैं पैलियोथोलॉजी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स मस्ट बी सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज आइसोटोप की सेम होनी चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड ऑन डाटा स्टोर इन रजिस्टर्स? तो माइक्रो ऑपरेशन बोलते हैं अपन उसको, जो ऑपरेशन अपना एग्जीक्यूट करते हैं डाटा स्टोरेज के अंदर, स्टोर्ड इन रजिस्टर्स के अंदर। सॉर्ट टेस्ट ऑफ द लेमन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो जो सॉर्ट टेस्ट होता है लेमन का वो किस वजह से होता है, वो सिट्रिक एसिड की वजह से होता है। ओके, और विटामिन सी मिलते हैं अपने को, जितने भी सिट्रिक एसिड वाली जो चीज़ें होती हैं, जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं, उनसे अपन को विटामिन सी मिलता है। विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? सबसे बड़ी समुद्री सीमा कौन से स्टेट की है, जो कि गुजरात की है। विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज़ इन इंडिया इज नॉट लोकेटेड इन द गोल्डन क्वाड्रिलेटर रोड नेटवर्क? तो गोल्डन क्वाड्रिलेटर है एक, जो कि इंडिया की चारों मेट्रो सिटीज़ को जोड़ने के लिए बनाया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी का इनिशिएटिव था ये, और इसके अंदर चंडीगढ़ था ऑप्शन में जो नहीं था, जो आपका आंसर यही था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट टू गो होल ऑर्गेनिक? भारत का पहला स्टेट जो कि टोटली ऑर्गेनिक फार्मिंग जहाँ हो रही है वो कौन सा है, वो सिक्किम है। वॉट इज द रोल ऑफ द ओम्बुड्समैन इन अ बैंक? तो ओम्बुड्समैन का बैंक में रोल क्या है, टू प्रोवाइड क्वालिटी एंड स्पीडी रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस ऑफ कस्टमर? तो कस्टमर की जितनी भी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जल्दी सॉल्व आउट करना, क्वालिटी से सॉल्व आउट करना, वो उसको अपन बोलते हैं ओम्बुड्समैन इन अ बैंक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स कंटेन स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द फोर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम? तो कौन सा अपना शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसके अंदर स्पेशल प्रोविजन दे रखे हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट को, वो है अपना 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हु अपॉइंट्स एन मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन? तो गवर्नर है जो कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को अपॉइंट करते हैं, वैसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं UPSC को, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज अ लीडर ऑफ अ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल? वो MN रॉय है इसका आंसर। हु वॉट इज द सोर्स ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी ऑफ द हॉट स्प्रिंग एट मनीकरण इन द हिमाचल प्रदेश? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, जियो थर्मल एनर्जी था इसका आंसर, मैंने आपको पहले बताया था मनीकरण के अंदर जो हॉट स्प्रिंग है उससे प्रोड्यूस की जाती है जियो थर्मल एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर? ओके, ऑटोसोमल डिसऑर्डर जो क्रोमोसोम्स होते हैं अपने टोटल 46, ओके, जिसके अंदर 22 पेयर बनते हैं प्लस एक्स वाई या फिर XX, और इसके अंदर जो ऑटोसोमल जो डिसऑर्डर है उससे अल्जाइमर डिजीज होता है, अल्जाइमर जिसमें भूलने की बीमारी होती है। ग्लाइसोल इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो टायरेलिन है जो कि ग्लाइसोल जिससे यूज मैन्युफैक्चर होता है, ओके, उसमें ग्लाइसोल यूज होता है मैन्युफैक्चर करने के लिए, क्या, टायरेलिन। द मूवमेंट इनसाइड द अर्थ क्रस्ट स्टडीड बाय विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग? तो अर्थ के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है वो सिस्मोलॉजी से स्टडी किया जाता है, तो सिस्मिक वेव्स भी अपन बोलते हैं, सिस्मिक वेव्स के थ्रू स्टडी किया जाता है, उसको अपन बोलते हैं सिस्मोलॉजी। लोना इज रिलेटेड टू विच गेम? तो लोना है कबड्डी का एक वर्ड,
जो लोना कबड्डी में यूज़ किया जाता है। टेन थर्ड्स और स्केल्स बिलोंग टू विच सिस्टम ऑफ म्यूजिक, तो टेन थर्ड्स किस में यूज़ होते हैं, टेन स्केल ऑफ म्यूजिक, वो हिंदुस्तानी म्यूजिक में यूज़ होते हैं, क्लासिकल म्यूजिक में, हिंदुस्तानी म्यूजिक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स कैन नॉट बी डेवलप्ड विद इन एन इंटीग्रेटेड सर्किट, तो कैन नॉट बी डेवलप्ड, आईसी के अंदर ट्रांसफार्मर आप नहीं बना सकते हो, तो इसीलिए इसका आंसर ट्रांसफार्मर था। वट इज़ द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ग्राफ्ट बिटवीन द जेनेटिकली इंडिविजुअल्स, तो आइसोग्राफ्ट बोलते हैं इसको। वट इज द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ग्राफ्ट बिटवीन जेनेटिकली इंडिविजुअल्स, आइसोग्राफ्ट। योगेश्वर दत्त कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, योगेश्वर दत्त रेसिंग से बिलोंग करते हैं, बहुत ही आसान सवाल था। ग्रीन हाउस गैसेज कौन से ऐसे ग्रीन हाउस गैसेज जिसके अंदर हाईएस्ट हीट ट्रैपिंग एबिलिटी है, हाईएस्ट हीट ट्रैपिंग एबिलिटी, तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी है जिसके अंदर एक गैस है, ग्रीन हाउस गैस है जिसके अंदर हाईएस्ट क्या है, हीट ट्रैपिंग कैपेबिलिटी है। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज लीडिंग इन सोलर एनर्जी जनरेशन, तो राजस्थान है जो कि सोलर एनर्जी जनरेशन के अंदर लीड कर रहा है इंडिया को, क्योंकि राजस्थान के अंदर गर्मी भी काफ़ी है और यहाँ पे सोलर एनर्जी का काफ़ी अच्छा स्कोप है। डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इट, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है क्योंकि उसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। गंगा इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर भागीरथी एंड अलकनंदा एट विच प्लेस, तो गंगा बनती है कहाँ पे, जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस होता है भागीरथी का और अलकनंदा रिवर का, और ये रिवर कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है, तो इसलिए इसका आंसर हुआ देवप्रयाग। एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, एल्डिहाइड्स स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। विच सर्किट इज यूज टू स्टोर वन बिट ऑफ डाटा, तो फ्लिप फ्लॉप्स है जो कि अपन वन बिट ऑफ डाटा यूज करने के लिए यूज करते हैं सर्किट। वॉट इज वेटलेसनेस एक्सपीरियंस वाइल ऑर्बिटिंग द अर्थ इन स्पेस शिप्स, तो वेटलेसनेस क्यों एक्सपीरियंस होता है जब आप ऑर्बिट करते हो अर्थ को स्पेस शिप्स के अंदर, बिकॉज ऑफ जीरो ग्रेविटी, वहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती है इसीलिए आपको वेटलेसनेस एक्सपीरियंस होता है। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड, आपको ग्लैंड का जब अगर पूछा जाए तो आपका लीवर है, और अगर लार्जेस्ट ऑर्गन का पूछा जाए तो आपको ये चीज़ें दोनों ध्यान रखना है, अगर लार्जेस्ट ऑर्गन पूछा जाए तो वो आपकी स्किन है, तो इन दोनों में आपको डिफरेंस ध्यान रखना है, लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर। हु वॉज अ प्रेसिडेंट ऑफ INC एट द टाइम ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, तो INC के प्रेसिडेंट कौन थे जब इंडिया को आज़ादी मिली, तब थे जे पी कृपलानी INC के प्रेसिडेंट थे। वट इज़ द मिनिमम एज फॉर द मेंबरशिप टू राज्यसभा, राज्यसभा के लिए कम से कम आपको 3 साल का होना चाहिए। वट इज़ ए ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय क्या है, टैक्स है कि ये ऑक्ट्रॉय क्या है, एक ही टैक्स है, इसको अपन एंट्री टैक्स भी बोलते हैं, एंट्री टैक्स, ओके, और ये महाराष्ट्र गुजरात है यहाँ पे ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है, एंट्री के लिए आपको देना पड़ता है ये ऑक्ट्रॉय। सेक्सटेंट इज़ ए इंस्ट्रूमेंट यूज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो सेक्सटेंट नेविगेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ओके, इसमें एंगल्स और आपको डायरेक्शन ये सब बताते हैं सेक्सटेंट में, और ये नेविगेशन के लिए काम में लाया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो करेक्टली मैच वाला जो ऑप्शन था, जो आपका सही आंसर था, वो था जैन टेम्पल खजुराहो, तो खजुराहो कोई जैन टेम्पल नहीं है, इसीलिए आपका आंसर था जो कि करेक्टली मैच नहीं है। वॉट इज अ गोल गुम्बद, तो गोल गुम्बद क्या है, म्यूसोलियम है मोहम्मद आदिल शाह का, आदिल शाह की ने अपनी जो वो है मकबरा है वो बनाया था गोल गुम्बद। वेयर इज द ट्रांजिस्टर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड, हेयरिंग एड, जितने भी हेयरिंग एड होते हैं जो अपने सुनने वाली चीज़ें, वहाँ पर ट्रांजिस्टर ज़्यादातर यूज करे जाते हैं। इंसुलिन कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन पेनक्रियाज प्रोड्यूस करती है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये 2016 के अंदर ही, इंसुलिन पेनक्रियाज से, पेनक्रियाज इंसुलिन को बनाती है, सीक्रेट करती है। इफ ए हेल्दी फ्रेश वाटर फिश इज प्लेस इन सॉल्टी वाटर व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंस, अगर हेल्दी फिश फ्रेश वाटर वाली फिश को अगर आप सॉल्ट वाटर में डाल दोगे तो वो डिहाइड्रेटेड हो जाएगी और कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो जाएगी। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, तो इसको नॉर्वे बोलते हैं, नॉर्वे इज नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। ऐसी कौन सी रिवर जो जिसका पानी 10 भारत के राज्य शेयर करते हैं, वो है गंगा। वॉट वॉज द फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज, पहले ग्रामेरियन कौन थे संस्कृत लैंग्वेज के, वो थे अपने पिनानी, पिनानी को कहा जाता है फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज। राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 250 है।